तो हेलो जी, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो भाई जान, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही खास होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक वीडियो देखनी है। भाई जान, आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ बागों में। भाई जान, आम के हो गए ख़त्म, बहुत कम नज़र आएंगे। तो आज जो है ना, आज मैं आपको माल्टे वगैरह सबको ये दिखाऊंगा। भाई जान, क्या साइज हो गया, किस तरह आया और किस मौसम में आएगा और किस तरह आएगा। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर कर देना। चलें भाई, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई साहब, ये चेक करो, इस टाइम जो है ना, इस टाइम ये साइज़ हो चुका है। तो अन करीब जो है ना, आपको ये खाने को मिलेगा। ग्रीन हो गया यार, नज़र आना शुरू हो गया। भजन, पहले तो नज़र भी नहीं आया था मेरी पिछली वीडियो में। ये देखो कमाल है, हैं, चेक करो फिर, है सीन फिर। और जी, बाग शाग देख लो, यहाँ पे खाली हो चुका है। आम जो है ना, यहाँ से ख़त्म। उस दिन भजन पता नहीं कितना ऑर्डर आया, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा था तकरीबन कोई भजन मनों के मन जो है ना यहाँ से। तो भजन, सीन इस तरह से है कि आप सोच रहे होगे आम के रेट इतने कम क्यों हैं और हर तरफ इतना आम क्यों है। तो सीन इस तरह से हुआ है कि भजन, ईरान ने ना, ईरान ने इस दफ़ा लेने से इनकार कर दिया था आम को। तो वो हुआ यूं था कि वो कहते थे भजन, आप इसके टेस्ट तो करते नहीं हो, ऐवे आप भेज देते हो, हमारे पास आते आते गल जाते हैं या फिर सही बनते नहीं हैं। वो होता यूँ है कि इसका ना एक प्रोसीजर होता है कि पानी, एक बॉयल पानी होता है, उसके अंदर से ना गुजारा जाता है। कुछ आम गल जाते हैं, कुछ इस तरह से, वो पाकिस्तानी आपको पता है जुगाड़ी हैं। तो ये जो है ना भाई जान, ये कहते हैं जी हमने जुगाड़ करना है और इस वजह से अब जाना ही बंद हो गया आम, और आम का रेट ही कम हो गया। तो ये ओके का सीन हो गया हमारे लिए। बाकी जो है ना, बाकी आवाम तो रो रही है जिन्होंने बाग लिए थे ठेके पे। मनो के मन जो है ना, यहाँ से लोड होके भाई जान बाहर की तरफ जा रहे थे। ये शॉपर आप देख रहे हो, ये किस लिए मट्टी किस लिए लगाई जाती है, ताकि आंधी वगैरह आए या कुछ भी आए ना, ये घिरे ना, और पानी की जो मिकदार है ना वो नॉर्मल इन्हें मिलती रहे। ये जुगाड़ी पाकिस्तानी है। तो आगे चलते हैं, ये देखो ये सीन अभी भी है पड़ा। ये तो आम जो है ना, शायद कोई थोड़े से नज़र आ जाएं तो वो आपको दिखाते हैं। अब ये भजन लास्ट आम चल रहा है, ये चौंसा, ये बिल्कुल आखिरी आखिरी दरख्त खड़े हुए हैं। ये सिर्फ ना अपने लिए रखे हुए हैं, ताकि मेहमानों वगैरह को और रिश्तेदारों को दे सकें। तो भाई ये देखो, अब जो है ना, अब मौसम आएगा इसके बाद ये माल्टों का। अब इसका अलग ठेका चलता है, आम का अलग ठेका चलता है, मतलब आप दोनों चीज़ों का अलग अलग ठेका दे सकते हैं। और नीचे जो घास हो रही है, ये अलग माहौल है। या आप भैंसों को भी रख लो यहाँ पे, आपके जो मजदूर हैं वो फ्री हैं, सब कुछ फ्री है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूँ भाई जान, यहाँ पे जो आप, मतलब एक आम होता है टिपके का, एक होता है जो ऊपर ही पक जाता है, बिल्कुल एंड चल रहा होता है ना, वो तभी ऐसे सीन मिलते हैं यार। उसका जो टेस्ट होता है ना भाई, ओए होए होए भाई जान, बिल्कुल फ्रेश, और ऐसे लगता है इतना जूसी है, इतना मज़ेदार होता है यार वो आम। अब मैंने अभी अभी वो खाया यार, मज़ा आ गया, एक दफ़ा लग गया पता। अगर आपको भाई जान इस तरह का कोई आम मिले ना, ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, आप अपने भाई को ज़रूर याद करेंगे। यार ये देखो, ये यहाँ पे ना तितलियाँ बैठी हैं, ये देखो, ये सात आठ इकट्ठी इसी तरह बैठी थी, मैं समझा मर गई है, लेकिन ये सारी इकट्ठी बैठी हैं, ये देखो वो गई भाई। इतनी सारी तितलियाँ मैंने कभी इकट्ठी नहीं देखी, हर तरफ तितलियाँ तितलियाँ फिर रही हैं, और इस पौधे पे आई हुई थी, इससे पता नहीं भाई निकाल के रही थी इसके। देखो ये देखो यार, कमाल के भाई, इस दरख्त पे ना ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये है नहीं भाई जान, इसको इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, आपकी सोच है, जैसे आम से लगते हैं ना उससे भी ज़्यादा है भाई, इसकी बहुत रखवाली की गई है लगता है। इसके नीचे भी भाई साहब इतना सा रखा जाता है, ताकि ये भी गिर ना जाए, क्योंकि ये हो जाते हैं वज़नी। उसके बाद जब यहाँ पे नीचे पानी लगता है ना, तो ये बहुत नरम हो जाती है ज़मीन। तो उसके बाद ना, जैसे ही आंधी वगैरह आती है, आपको पता है यहाँ पे आंधियाँ आती हैं बागों में, तो ये जो है ना भाई जान, ये सीधे लाम लेट हो जाते हैं। इस वजह से ना हर दरख्त के बाहर लगाया जाता है, बेशक वो आम हो या हो माल्टा, भाई जान हर तरफ लगाया जाता है। ओके का सीन है भाई जान, यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे भी दरख्त भी लगे हुए हैं यार। यहाँ पे ना दो काम इकट्ठे किए जा रहे हैं, एक बाग से दो काम इकट्ठे लिए जा रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये माल्टे लग रहे हैं, ऊपर आम लगे हुए हैं। भाई जान आम भी बहुत पुराने पुराने हैं, कोई नए है नहीं है। सीन ओके का है, ये देखो ये एक ही बच गया बेचारा, इसको ये किसी की नज़र में नहीं आएगा, नहीं तो कोई छोड़ता ना इसे। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? पहली महीना किन्नू आवे सी, बा मोगी है सही। अच्छा, विच जेड़ा बा खाली तै ही कीता उसी जी, सारे आम तो तै पट के दिन यार, आम पट लिए पूरा बाग फैन हो गया। अगली महीना पहली महीना बाद किन्नू आवे सी, इंशाल्लाह अगली महीना पहले किन्नू खावा वो खवे से खवे सो आपे बाग आम खवाए नहीं दे आम अल्लाह। ये देखो यार, आम शाम खिला रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है?
ये अकेला रह गया इस पूरे बाग में, तो ये कोई वजह है इसकी आपने इसको खाली छोड़ा हुआ है? ये 200 को खिलाएंगे इंशाल्लाह वो खुश होंगे। अच्छा, ये सिर्फ 200 के लिए रखा हुआ है, मेहमानों के लिए जो आए बस मेहमान आएंगे खाएंगे। अच्छा अच्छा, इंजॉय करेंगे। ये माल्टा भी तैयार हो रहा है। हाँ, ये देखें, ये साइड पे माल्टा है, माल्टा तैयार हो रहा है। अच्छा, ये कब तक मिलेगा? पहले महीने मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे जो मीठा और लजीज आम है वो कौन सा है? चौंसा है बस जी, चौंसा। वो जो मौसमी चौंसा आप कह रहे हैं? अच्छा, ये जो चौंसा है ना, इसमें साइज तो बड़ा है लेकिन मिठास कम है क्या, ये सेम होती है? ना, मौसमी चौंसा जबरदस्त चुका है, सामने ये पौधा खड़ा है मौसमी का। अच्छा, जाके पीछे। अच्छा अच्छा, जबरदस्त टेस्ट है इसका माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, अब तो ये आम खत्म हो गया, अगले साल फिर कब आएगा? अगले साल ये आएगा 6वें महीने में। 6वें महीने में? ओ भाई, 6 महीने पूरे इंतजार करो, साल बाद पूरे साल बाद आएगा। सही हो गया। अच्छा, ये जो माल्टे आप बता रहे हो, ये किस मौसम में आएंगे? ये जनवरी में आएंगे। जनवरी में जी, जनवरी। अच्छा, ये कितने पौधे लगाए हुए हैं आपने, कोई है अंदाजा? कम से कम होएगा 1500 पौधे होएगा। एक पौधे से कितने मान उतरता है? ये राख की वजह है। अच्छा, राख अच्छी दोगे 6 मन निकलेगा। 6 मन इस माल्टे वाले में जी, से जी, माल्टे वाले। ओए होए, और आम वाले में से? आम वाले में एक पौधा दे देता है 8 मन, 10 मन, 12 मन भी कर देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, खुराक की वजह ना, खुराक अच्छी दोगे तो सीन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। भाई जान, ये बताएं, इस दफा जो आपकी औसत आई है वो क्या आई है? माशाल्लाह इस वरी औसत अच्छी आई है। अच्छा, मुनाफा हुआ है? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, मुनाफा इंशाल्लाह हो जाएगा, एंड बाकी करेंगे इंशाल्लाह, भाई क्या चीज बची है क्या नहीं बची। अच्छा, ये एंड में हिसाब किताब होगा? एंड में हिसाब होगा। अच्छा, इस दफा जो है ना बहुत आंधियां आई हैं, तो आंधी में आपको क्या मतलब मसले मसाइल होते हैं और किस तरह आप उसको हैंडल करते हैं? जी, मिट्टी वगैरह लगाते हैं। अच्छा, हाँ, ये देखें, ये मट्टी वगैरह जो मैं आपको कह रहा था लगाते हैं, भाई मजबूत हो जाए ज्यादा। अच्छा, जड़ वगैरह इनकी हवा न लगे इनको। अच्छा भजन, ये बताएं, इसकी मेहनत भी होती है दरख्त पे? इसकी सर मेहनत होती है, ये खाद वगैरह दे रहे हैं, चौकी वगैरह भी आ रही है इसकी। ये देखिए, ये चौकी और खाद वगैरह दी है। खाद कौन सी देते हैं इसको? खाद हम दे रहे हैं डीएपी। सही हो गया जी। अच्छा, बहुत महंगी है वो, हर चीज महंगी है आजकल, 13,000 की बोरी है, हर चीज महंगी है। ये भी खा देते हैं, कलर भी देते हैं इसको। अच्छा, कलर ये भैंसों वाला? जी, भैंसों वाला कलर देते हैं। सही हो गया। माशाल्लाह इसकी खूबसूरती आ जाती है माल्टे के लिए। हाँ, माशाल्लाह खूबसूरती तो आती है। अभी फिलहाल ना ये माल्टों का हिसाब किताब हो रहा है, आमों का फिर होगा। आम भी खाद देते हैं, हमको भी कलर। अच्छा, भी हमको देते हैं, वो भी देना पड़ता है? वो भी देना पड़ता है। सही, स्प्रे भी करते हैं किन्नू पे और आम पे। अच्छा, ये बताएं, ये तो बिल्कुल मट्टी लगी हुई है, तो इसको कैसे पहुंचती है खाद? नीचे जमीन में फेंक देते हैं? ये हम ना नीचे पे फेंकते हैं। अच्छा, वो असर कर लेती है। अच्छा, वो असर हो जाता है, असर हो। सही हो गया। अच्छा, ये जो बूर वगैरह होता है, ये आता है आम्बों पे, तो ये कैसे उतारते हैं, क्या इसका सिस्टम होता है? दो किस्म बटोर होता है, एक होता बूरा एक होता बटोर। अच्छा, बूरा होता ना वो सही होता है, और बटोर होता है वो गोल सा होता है, वो फजूल होता है। अच्छा, वो आम के लिए नुकसान देता है वो। अच्छा, बोरे को नुकसान देता है वो, बटोर को काट देते हैं मतलब? हाँ, वो काट देते हैं हम कुंडे से। अच्छा, कुंडे से काट लिया वो, फिर वो बूरा होएगा ना, वो आम वगैरह भाई छोटा छोटा होगा, उससे बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अगर उसको ना काटे वो बीमारी लग जाती है। ओए ओए, अगर, अच्छा, उसको जब आप काटते हैं वो मनो के हिसाब से उतरता होगा एक आम? हाँ, एक पौधे से ना काफी सारा ओए ओए उतर जाता है वो। तो उसको आग लगाते हैं, किस काम आता है वो? आते हैं हम साहब वगैरह इकट्ठा करके ले जाते हैं घर आग लगाने के लिए। आग लगाने के लिए। अच्छा, ये मैंने सुना था कि ये जो भट्ठे वगैरह होते हैं ना, उनमें भी इस्तेमाल होता है दुखाने के लिए? भट्ठे वाले नहीं इस्तेमाल, भट्ठे वाले दूसरी चीज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो मुर्गी का कुछ होता है करते हैं वो, रेरे वगैरह होती है। सही हो गया, वो करते हैं वो। मसाला लगता है आमों को, नहीं तो जो पेटी में है ना आम खराब हो जाता है। आम खराब हो जाता है, ये मसाला लगता है। अच्छा जी, मसाला लगा के उसके बाद रख देना, कितने दिन बाद पकती है बेटी? 4-5 दिन बाद तैयार हो जाती है। प्योर हो जाती है। अच्छा, अगर मसाला ना लगाएं फिर उसके क्या मसले मसाइल हैं? खराब हो जाता है, गलने लग जाता है। जलने लग। तो होपफुली भाईजान आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। भाईजान आज फिर दोनों चीजें कवर करती हैं यार, आम हो गया खत्म, भाईजान सीन बड़ा अपसेट सा हो गया। यहाँ पे आते थे आम भी आम होते थे, मजा आ जाता था, अब सिर्फ माल्टे नजर आ रहे हैं, वो भी अभी कच्चे हैं। जब वो ऑरेंज कलर में आएंगे ना यार, उस वक्त देखने का सीन होगा, उस वक्त आपको ये बाग दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो फिर जो है ना, फिर आपको एक नई वीडियो दिखाऊंगा कुछ दिनों तक, तो ये पकने लग जाएगा। अभी भी जो घिरा हुआ है ना, वो लीमू की शक्ल अख्तियार कर गया, पीला पीला हो गया। तो खैर, जो भी है जैसा भी है ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में हाजिर होंगे।
तो अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ब्रदर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।